नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट घुमक्कड़ पल्लवी, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं गुजरी महल, जो कि राजा मान सिंह तोमर द्वारा बनवाया गया था उनकी प्यारी रानी मृगनयनी के लिए। तो चलिए घूमते हैं गुजरी महल। गुजरी महल एक ऐसी दुनिया है जिसे रानी मृगनयनी ने खुद के लिए बसाया था। यहाँ तक कि महल का ढांचा भी गांव के घरों जैसा बनाया गया है। गुजरी महल आज के दौर में तो एक पुरातात्विक संग्रहालय बन चुका है, जहाँ कई तरह की सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी गई। गुजरी महल में कुछ ऐसी मूर्तियां भी रखी गई हैं, जो कि भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में बताती हैं। इसके अलावा कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी वहां पर सम्मिलित हैं, जैसे कि माँ दुर्गा, बजरंगबली अथवा भगवान राम। गुजरी महल में कुछ ऐसी मूर्तियां भी हैं जो उस दौर के फैशन को बयान करती हैं। मतलब उस दौर में लोग कैसे कपड़े पहना करते थे, औरतें कैसे अपने बालों को सवारा करती थी, और लोग सुंदर दिखने के लिए उस दौर में कैसे आभूषण पहना करते थे, यह मूर्तियों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। इन मूर्तियों के अलावा भारतीय मोनालिसा की मूर्ति भी इन मूर्तियों में शामिल है। अब हम आ गए हैं गुजरी महल के निचले भाग में, जो कि बहुत ठंडा है। पता नहीं कितनी और नीचे है, मुझे नहीं पता, हम ज्यादा जा रहे हैं। और यहाँ पे एक गुप्त सा दरवाजा, और फाइनली हम पहुंच गए हैं नीचे। फिलहाल हम लोग गुजरी महल के निचले भाग में आ चुके हैं, जो कि फिलहाल के लिए म्यूजियम बना दिया गया है, पर उस जमाने में यहाँ पर संगीत की महफिल जमा करती थी, और यहाँ पर 8 रानियाँ राजा जी के साथ बैठकर संगीत का आनंद लिया करती थी। रानी से शादी के पहले रानी गुजरी की कुछ शर्तें थी जिसको राजा जी को निभाना ही पड़ा। जैसे कि उनकी पहली शर्त थी कि उनके लिए अलग से एक महल बनवाया जाए, जिसका नाम गुजरी रखा गया। दूसरी शर्त थी कि उनके गांव से पानी यहां तक लाया जाए, जिसके अवशेष अभी भी इस कमरे में देखे जा सकते हैं। और तीसरी शर्त ये थी कि वो जब भी युद्ध पे जाएंगे, रानी उनके साथ युद्ध करने के लिए जाएंगे। तो इस म्यूजियम में आज भी उस जमाने में उपयोग किए गए शस्त्र रखे हुए हैं, जिसको आप आके देख सकते हैं। और ये कमरा जो है पूरा इतना ठंडा लग रहा है, तो सोचिए उस जमाने में कितना ठंडा लगता होगा। मतलब आज के ज़माने में ये उस जमाने का एसी रहा होगा। चलिए घूमते हैं हमारा गुजरी महल। इसी पाइप के द्वारा पानी राई गांव से गुजरी महल तक लाया गया। तो
फाइनली मुझे गुजरी महल देख के बहुत मज़ा आया और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यहाँ आके एक बार ज़रूर देखें रानी गुजरी की उस बसाई हुई दुनिया में। तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आएँ और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए घुमक्कड़ टोला। तो चलती हूँ मैं पल्लवी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।